अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, एक वक्त होता है जब आप हर किसी के लिए ख़ास होते हैं। लोगों को बात बेबात आप याद रहते हैं, कुछ का तो दिन ही नहीं मुकम्मल होता आपसे गुफ्तगू किए बिना, और कुछ की रात ही नहीं गुजरती। दोस्तों, फिर ज़िंदगी बदलती है, वक्त बदलता है और लोग भी बदल जाते हैं। आप ख़ास से आम हो जाते हैं और आम से हकीर। लोग आपको ऐसे भुला देते हैं जैसे कभी आप उन्हें याद ही नहीं करते थे। लोगों को आपके होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता है, तकलीफ़ होती है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको। और दोस्तों, कमाल की बात है, आप इस सब पे सब्र और ख़ामोशी के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारा अच्छा होना, किसी की परवाह करना, किसी का एहसास करना, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुआएं करना, मसरूफियात, अपनी मसरूफियात तर्क करना, कोई भी मायने नहीं रखता। लोग अपने हिसाब से चलते हैं। दोस्तों, ये जो दुख होते हैं ना, ज़रूरी होते हैं। ये हमें उसी दर पे ले जाते हैं, वही रब के पास। जैसे बच्चा चोट खा के माँ की तरफ भागता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम बिलबिलाते हुए अल्लाह की तरफ भागते हैं और उसी से रुजू करते हैं। जब हमें दर्द होता है, कोई और दर्द नहीं मिलता, जब कोई सहारा नहीं रहता ना, जब सांसें तंग सी होने लगती हैं, जब हम ठुकराए जाते हैं, जब हम रुलाए जाते हैं, तब तब हम अल्लाह को पुकारते हैं और वो रहमान और रहीम बादशाह समेट लेता है अपनी रहमत के साथ। दोस्तों, ख़ुद पे यकीन होना चाहिए। सहारे ही तो बेसहारा करते हैं। लोग तुम्हारी अकल से तुम्हारी शख्सियत का वज़न करते हैं, लिहाजा तुम अपनी अकल का वज़न अपने इल्म से भराओ। जब हमारी मौजूदगी में कोई हमारी कदर नहीं करता, तो उसे दूर इस आरज़ू में चले जाना कि अब उसे हमारी कदर हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूखी लकड़ियों पे पानी बहा के आग जलाने की कोशिश करते रहना। जिन्हें एहसास नहीं होता ना, उन्हें कभी नहीं होना चाहिए। आप सात समंदर पार चले जाएं या ज़मीन में दफन हो जाएं, उनके लिए आपका वजूद ऐसे ही बेमायनी है जैसे एक नाबीना के लिए कोसे कज़ा का रंग। दोस्तों, बड़ी तलख है ये ज़िंदगी। रिश्ते निभाते रहो, सारी उम्र रिश्ते निभाते रहो, बस एक बार चूक जाए तो सारे रिश्ते रूठ जाएंगे, सारी मोहब्बतें इम्तिहान लेने लगेंगी, सारे ताल्लुक हिसाब मांगने लगेंगे। सारी उम्र जिम्मेदारियां निभाते गुजर जाए, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अपनी खुशी के लिए बगावत करके देखो तो सारी मोहब्बतें, सारे एहसासात और सारी काविशों पर सवाल निशान लग जाता है। सिर्फ एक बार गलती हो जाए आपसे। दोस्तों, ज़िंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। ज़िंदगी एक ही कपड़े को 100 दफ़ा पहन के गुजारी जा सकती है। ज़िंदगी दो रोटियों की बजाय एक रोटी खा कर भी चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी बगैर इज़्ज़त के नहीं गुजर सकती। हमेशा उस शख्स को चुनो जो आपकी इज़्ज़त कर सके, जो आपका एहसास कर सके। मुझे एहसास बहुत सुकून देता है कि कयामत के दिन हर चीज़ का हिसाब होना है। मुझे अब लोगों के दिए गए दुखों पर दुख नहीं होता, बल्कि उन पर तरस आता है, तरस आता है। हम उस वक्त बदतरीन ज़हनियत का मुजाहरा करते हैं जब कोई गुमराह इंसान राह रास्त पर आने के बाद हमें नेकी की तलकीन करे और हम उसका माजी लेकर बैठ जाएं। एक नफ़रत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो ज़िंदगी बीत जाती है, ज़िंदगी बीत जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی سبق آموز ویڈیوز آپ کو روزانہ حاصل ہوتی رہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔